हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि हम डीएफए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कंस्ट्रक्टर डी एफ ए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर लैंग्वेज ऑफ जीरो वन डिविजल बाई थ्री मतलब कि डिविजिबल बाई थ्री जैसे हमारे नंबर्स होते हैं जीरो सॉरी जीरो नहीं थ्री देन सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन एसेट्रा एंड मैनी मोर तो हम ये जो है है वो थोड़ा बहुत ट्वेंटी, ट्वेंटी का एग्जाम्पल जो आप लोग उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि जिसका मोर ऑफ थ्री इज इक्वल टू तो जीरो आना चाहिए मतलब कि जो नंबर अगर हम थ्री से डिवाइड कर सकते हैं तो उसका रिमाइंडर तो जीरो ही बचने वाला है इसमें कहा गया है कि डिविजिबल बाई थ्री तो हम यहाँ पे उसका डेफ क्वाइट उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो पहले तो आप एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी देख के आइए उसके बाद एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन पे आइए और ये डी एफ हम कैसे ड्रा सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं नीचे समझा रही हूँ तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया इनपुट तो जीरो और वन है हमारे पास और स्टेट्स कितने हैं तो थ्री एस जीरो एस वन और एस टू तो वो हम डीएफए में ऐसे लिखेंगे कि हम यहाँ पे कैसे आ रहे हैं तो एस जीरो को हमने एज ए फाइनल स्टेट डिक्लेयर करके रखा है जो इनिशियल स्टेट है मतलब कि अगर जीरो आया तो वो यहाँ पे आ जाएगा अभी सॉरी अभी अभी हम वन टू फोर एट ये जो हमारे बाइनरी नंबर से उसमें अगर थ्री को डिफाइन करेगा तो कैसे करेंगे तो टू और वन मतलब कि थ्री थ्री होता है मतलब कि डबल वन आ जाएगा सो वन और वन तो हम आ जाते हैं एस जीरो के ऊपर तो ये हमारा फाइनल स्टेट है मतलब कि ये जो हमने वन वन बाइनरी में कन्वर्ट किया है वो थ्री से डिविजिबल है सो so, हम यहाँ पे फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं तो अभी हम क्या करेंगे एस जीरो का जो जीरो है वो हम सेल्फ रूप में दे देंगे फिर एस वन में हम पहुंचेंगे वन के लिए S1 का जीरो है वो S2 में जाएगा और वन के लिए वो S0 पे आएगा फिर S1 का जीरो S2 टू पे जा रहा है तो अभी बाकी क्या बचा S2 का तो S2 का जीरो इनपुट एस में पहुंचेगा और वन आएगा तो वो सेल्फ टू में घूमेगा सपोज कि हमने दूसरा नंबर ले लिया तो क्या हुआ सो so, चार और एक तो वन जीरो वन ये हमारी वैल्यू होती है पाँच पाँच है वो थ्री से डिविजिबल नहीं है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 101 के लिए ये फाइनल स्टेट में पहुँचता है या नहीं पहुँचता ये हमारे लिए फाइनल स्टेट में नहीं पहुँचना चाहिए तो ही हमारा डी एफ वेरीफाइड होगा सो so 101, 101, तो ये हमारा डी वेरीफाइड नहीं होता मतलब कि ये नंबर थ्री से डिविजिबल नहीं है फिर चार और दो सिक्स और जीरो के लिए क्या करेगा वन जीरो तो सेल्फ स्टेट में मतलब कि इनिशियल स्टेट में ही हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं हमारी स्ट्रिंग वेरीफाइड है सो so ये हमारे हमारा वेरीफाइड है डिविजिबल बाय जैसे नंबर्स आ रहे हैं तब तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो को लाइक कर दीजिए तो अगर आपको कोई इसमें डाउट आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कोई डाउट नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो